हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट कोर्सेज। ओके, डीयू की 10 ऐसी बेस्ट एंड पॉपुलर कोर्सेज जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और फ्यूचर में इन कोर्सेज में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी अच्छी आई है, थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो आपको इन कोर्सेज में जरूर एडमिशन लेना चाहिए। आने वाले वक्त में 2021, 22, 23, 24 हमेशा ही इन कोर्सेज की डिमांड रहने वाली है पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में। आपको किसी भी स्कोप में कहीं भी चले जाओ तो आपको ये सारी चीजें जरूर हेल्प करेगी। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक कोर्स ध्यान से सुनना है और अपने बकेट लिस्ट में डालना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना और वीडियो को लाइक भी करना। लाइक तो जरूर करना। आई लव यू गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है ना या फिर थोड़ी ज्यादा ही कम है और आपको डीयू में एडमिशन लेना है, तो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी टॉप 10 ऐसे कोर्सेज बताए हैं जिनकी कट ऑफ काफी कम जाती है एंड कोर्सेज भी काफी अच्छे हैं जिनमें आपकी कम परसेंटेज में भी एडमिशन हो जाएगी, लाइक 60% में भी। तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, बट इस वीडियो को पूरा सुनो। ओके, तो सबसे पहली जो कोर्स है वो है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो ये एक ऐसी कोर्स है जो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है और अभी करेंटली ड्यू में ये टॉप कोर्सेज में से एक है जिनकी कट ऑफ लिटरली सीरियसली 100% भी चली जाती है जो टॉप कॉलेजेस होते हैं। और अगर आपकी 90 भी है ना तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगी, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको 80 से प्लस में भी, 80, 81, 82, 83 में भी एडमिशन आराम से मिल जाएगी साउथ के किसी अच्छे कॉलेज में। ओके, तो अगर आपके 80 प्लस परसेंटेज है तो आपको इस कोर्स में जरूर अप्लाई करना चाहिए। अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे अपने लिस्ट में रखना चाहिए, अपने प्रायोरिटी में। ओके, सेकंड जो कोर्स है भैया वो बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली ये एक ऐसी कोर्स है जिसे मैंने भी कर रखा है। क्या? तो वो है आपकी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। ओके, तो बीकॉम ऑनर्स है जो वो सेकंड नंबर पे है एंड बीकॉम प्रोग्राम आपकी थर्ड नंबर की कोर्स है। ओके, तो बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम ले लो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स है जहाँ पे डीयू में बीकॉम की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी थोड़ी अच्छी परसेंटेज है तो आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगी, और थोड़ी एवरेज परसेंटेज है तो भी आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी साउथ कैंपस की। बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस है, इवनिंग कॉलेजेस भी है, और शहीद भगत सिंह, दयाल सिंह जैसे बढ़िया बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज जहां पे कम परसेंटेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी एंड बढ़िया में तो नॉर्थ कैंपस है ही। ओके, तो ये हो गई बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की। अगर बात करूं तो बीकॉम प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास नॉर्थ कैंपस में दो ही कॉलेज है, एक किरोड़ीमल और दूसरी रामजस, जहां पे बीकॉम प्रोग्राम होती है। बाकी सारे कॉलेजेस में ऑनर्स होती है। अगर आप प्रोग्राम करना है तो आप साउथ कैंपस से बहुत सारे कॉलेज से कर सकते हो, बट नॉर्थ में आपके पास दो कॉलेज ही है तो कट ऑफ मिला लेना जिनकी 90 ऊपर ही रहती है जनरल के लिए। एसटी एससी ओबीसी के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट कोर्स है वो है आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। हां जी, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ये इतनी ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, लिटरली सच्ची डिमांडिंग है, और ये एक ऐसी कोर्स है जो कि मेरे टाइम पे मेरे बकेट लिस्ट में भी थी। हां, सच्ची बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और आने वाले टाइम पे अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड में घुसते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्टर होता है ना, ये हमेशा से मॉनेटरी बेनिफिट में भी और मतलब साइकोलॉजी भी और मतलब हर तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है करियर में। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको मिल जाएगी, बट बढ़िया है, 80 प्लस में भी आपकी एडमिशन हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे की जो कोर्स है वो है आपकी बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स एक ऐसी कोर्स है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आप बोलोगे कि भैया आप तो सब कोर्सेज डिमांडिंग बोल रहे हो, ऑब्वियसली मैंने टॉप 10 ऐसे कोर्सेज ही चूज करे हैं जो डिमांडिंग है। इसकी कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कट ऑफ भी पॉलिटिकल साइंस के तरह ही होती है। अच्छे कॉलेजेस के तो 99-100 भी चले जाते हैं, बट अगर आपकी परसेंटेज 99 से तो खुलती, ऐसा बात नहीं है, कम नहीं होता, कम भी होती है, 90 तक भी पहुँचती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एडमिशन हो जाएगी अगर आप 90 के आसपास हो, 89, 88 हो, और अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो 85, 83 में भी आराम से एडमिशन हो जाएगी इंग्लिश ऑनर्स में। ध्यान रखना, मैं प्रोग्राम कोर्सेज को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, बिकॉज ये सारी चीजें ना ऑनर्स वाले चीजों के लिए, एंड जो ऑनर्स कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट कोर्स है वो है आपकी साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। ये भी अगेन काफी बढ़िया कोर्स है, आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड भी होने वाली है, एंड अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी ऐसी चीज होती है जो काफी ही
मतलब क्या बोलूँ, आप खुद समझ जाओगे। अगर आप साइकोलॉजी के बारे में अगर सिर्फ यूट्यूब में भी सर्च करोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत कंटेंट वगैरह देख के पता लग जाएगा कि कैसी कोर्स है, किस तरीके से इंटरेस्ट है। अगर आपको रुचि है इन सारी चीज़ों पर, तो आपको साइकोलॉजी ऑनर्स ज़रूर करना चाहिए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है ऑल ओवर इंडिया में यूजी लेवल की। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है, आप जरूर ले सकते हो। अगेन 90 प्लस एंड उससे कम में भी एडमिशन हो जाएगी, रिजर्वेशन है तो। ओके, नेक्स्ट जो कोर्स है वो है आपकी मेनली साइंस वालों के लिए, जो है आपकी मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स आप कर सकते हो, ये भी एक वन ऑफ द टॉप कोर्सेस है फॉर साइंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स एंड देन फिजिक्स ऑनर्स। तो ये तीन ऐसी लाइन बाय लाइन ऐसी कोर्सेस है जो कि काफी पॉपुलर है, तीनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी ले लो, काफी ही ज्यादा कट ऑफ हाई से स्टार्ट होती है, बट धीरे 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 करके लो हो जाती है। तो कम परसेंटेज भी है अगर आपकी 80 प्लस तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। अब नीचे कमेंट में आप ये मत बोलना, एक ब्रो टिप दे रहा हूं कि भैया मेरी इतनी परसेंट है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं, वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं। आराम से आपको क्या करना है, ये चीज मैं आपको बैठ बैठ के एक का कमेंट रिप्लाई नहीं कर सकता, आप भी सोच सकते हो, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद ही सर्च करना है, आपको जिस भी कोर्स को देखना है, जिस भी सब्जेक्ट को देखना है, नेट पर रैंडमली सर्च करना है दिल्ली यूनिवर्सिटीज लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट। आपको कट ऑफ लिस्ट खोल के पिछले साल की उस कोर्स में जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसकी कट ऑफ देख लेनी है। अगर आपके परसेंटेज के आसपास रही, जितनी आपकी परसेंटेज है और लास्ट ईयर भी अगर उतनी गई थी, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, नहीं तो फिर भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके, तो ये कुछ ऐसी कोर्सेज थी जो कि टॉप कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और भी काफी सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम कोर्सेज भी अच्छे होते हैं, बट मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि ऑनर्स कोर्सेज की डिमांड काफी ज्यादा रहती है, तो आपको इसमें एडमिशन जरूर लेना चाहिए। आपके परसेंटेज ज्यादा अच्छे है, थोड़े ज्यादा ही अच्छे हैं, तो आपको जरूर ये सारे कोर्सेज अपने बकेट लिस्ट में रखने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइज। इसी तरीके से अगर आपको ब्रो टिप चाहिए और भी चीजें खोद खोद के अगर चाहते हो कि मैं निकाल के लाऊं, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। आई लव यू गाइज, टाटा बाय बाय।